गुड आफ्टरनून सर, है ना। शीत विषुवव्यास हिंदी होगी इसकी, विंटर सोलिस्टिक का मतलब है कि सूर्य जो है वो यहाँ पर है कर्क यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो कुछ बातें हैं जो समझना है, अगर हम इंडिया के रिफरेंस में बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आज के दिन में स्मॉलेस्ट डे है यहाँ पे, ठीक है, और लॉन्गेस्ट नाइट है, लॉन्गेस्ट नाइट ड्यूरेशन है ना। भारत में आज सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। उसके बाद है ये कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर है, कोल्डेस्ट डे ऑफ ईयर ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग ज्योग्राफी। ये भारत भारत में सबसे ठंडा दिन आज होना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मैक्सिमम हाई प्रेशर है, मैक्सिमम हाई प्रेशर है कहाँ पर, इंडिया में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर इंडिया में है आज के दिन। उसके बाद है जो ड्यू ड्यूरेशन है ना, जो ड्यू डे ड्यूरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा फ्रॉम 23rd December, ठीक है, 23rd December से दिन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो नाइट है वो डिक्रीज, नाइट का क्या होगा, डिक्रीज शुरू हो जाएगा, डिक्रीज शुरू हो जाएगा, नाइट ड्यूरेशन का डिक्रीज शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ फैक्ट हैं आज के बारे में कि स्मॉलेस्ट डे होगा, सबसे जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन के अवधि जो है सबसे कम आज होगी, और लॉन्गेस्ट नाइट सबसे पहले सबसे बड़ी रात होगी, सबसे ठंडा दिन होगा, मैक्सिमम हाई प्रेशर होगा और डे ड्यूरेशन इंक्रीज फ्रॉम टुमारो, कल से दिन का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज करना शुरू करेगा। और ये कब तक इंक्रीज करेगा बता सकते हैं कोई, इंक्रीज टिल कब तक? 23 मार्च। कब तक इंक्रीज करेगा ये डे? 23 मार्च या 21 जून, एक बताइए ना, 21 या 23? सर 21 जून। 21 जून, यस, 21 जून तक ये ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा, 21 जून तक ये ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा और 21 जून फिर नाइट इंक्रीज मतलब डिक्रीज करेगा वहां से। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये कुछ है। और वर्ल्ड के बारे में बात करें तो सेम चीज है ये वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो यानी उत्तरी गोलार्ध में ये सारी कंडीशन अप्लाई होंगी, उत्तरी गोलार्ध में, मेरी बात समझना, उत्तरी गोलार्ध में ये सारी कंडीशन अप्लाई होंगी यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। आज में अगर पूछेगा कि लॉन्गेस्ट डे इन जापान तो 26 स्मॉलेस्ट डे इन जापान तो 22nd December, स्मॉलेस्ट डे इन श्रीलंका 22nd December, स्मॉलेस्ट डे इन लीबिया, तो भी यानी जो जो कंट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है यहाँ पर उन सभी के साथ ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये चीज याद रखना है, सभी के साथ जो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद जो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्मी होगी यहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फीयर में हॉटेस्ट डे अगर हम बात करेंगे इन रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया या कह सकते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगी कि ये हॉटेस्ट डे होगा, हॉटेस्ट डे ऑफ ईयर यानी लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर, लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर एंड स्मॉलेस्ट, सेम कंडीशन है ना, स्मॉलेस्ट नाइट ऑफ ईयर, तो ये सारी कंडीशन साउथ हेमिस्फीयर में अप्लाई होती है। और ये तो कई बार हमने डिस्कस किया है कि 21st जून
जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और 23rd September और 21st March है ना, ये दो दिन जीरो डिग्री पर होता है, यानी इक्वेटर पर होता है। और 22nd December जो है ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी मकर रेखा पर। तो ये तो है ना कैप्रिकॉर्न पर होता है। तो ये है पूरा आज के बारे में, थोड़ा ज्योग्राफी इसको समझना है। बताएं, कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है समझने में? स्वप्निल, नाजुका, समझ में आ रहा है ये? यस सर, यस सर। तो ये 21st June ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23rd and 21st March इक्वेटर, एंड 22nd December ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो ये कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और जब हम जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं समर सोलस्टिस, है ना। और जब सन यहाँ पर होता है तो उसको बोलते हैं विंटर सोलस्टिस। इस तरह से ग्रीष्म विषु या शीत विषु, ऐसा हिंदी कुछ है। तो ये है, इसको मिटा देते हैं। जबकि जो विंटर है, सर्दी रियल में, वो दो दिन बाद होगी, तीन दिन बाद होगी, अभी नहीं है। तो ठीक है, आज का टॉपिक देखते हैं। आज के टॉपिक में है, पहला देखो, हिंदू में तो ऐसा कोई न्यूज नहीं था। हिंदू में जो न्यूज थी, पहली न्यूज तो यूके को लेके थी, फ्लाइट्स को लेके थी। तो वो तो खैर हमेशा से शुरू से चल रहा है, पता नहीं, हमें लगता है कि हिंदू पेपर, वियतनाम ट्रीटी हुई है ना सर कल? हाँ, वियतनाम ट्रीटी भी हुई है, उसकी बात करेंगे। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है हिंदू पेपर के बारे में, वो 7 to 8 ऐसी न्यूज हैं जिनके आसपास रहता है वो, है ना। हिंदू पेपर को जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 7 to 8 ऐसी न्यूज है जिनके आसपास वो रहते हैं, और छोटी मोटी न्यूज होती है उसको कवर करते हैं। जो हाईली जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज है, या जो कोरोना डिजीज के रिलेटेड न्यूज है, प्रोटेस्ट रिलेटेड न्यूज है, या दिल्ली का एनवायरमेंट, मतलब दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसको लेके है, तो 7 या 8 ऐसी न्यूज है जो उनके आसपास ही वो घूमते रहते हैं। बहुत ज्यादा उनके न्यूज में मुझे लगता है अब डाइवर्सिटी नहीं है हिंदू वाले पेपर में। अभी चलिए, एक न्यूज है जो दैनिक जागरण में है, हिंदी वाले पेपर में। उन्होंने बोला था कि बोला है, अगर कोई भी पब्लिक प्लेस, देखो अब समझिए कि क्या है, मैं न्यूज क्या है कि पब्लिक प्लेस है ना, वो पब्लिक प्लेस शुड नॉट बी यूज एज रिलीजियस पर्पस, है ना, रिलीजियस पर्पस। उन्होंने कहा है रिलीजियस या फॉर वर्शिप, या कह सकते हैं एज ए वर्शिप प्लेस, इसको हम वर्शिप प्लेस के तौर पे यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ये किसने बोला है, ये स्टेटमेंट है हाई कोर्ट का, ये चीज ध्यान रखना है। ये हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है कि पब्लिक प्लेस शुड नॉट बी यूज एज अ रिलीजियस पर्पस या वर्शिप प्लेस। यानी सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि पब्लिक प्लेस पर आप मंदिर नहीं बना सकते, पब्लिक प्लेस पर, यानी सार्वजनिक जो भूमि है उस पे आप मंदिर नहीं बना सकते हो। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि आगे इसी न्यूज में थी कि जो लोगों को धर्म स्थलों की आड़ में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने से रोका जाए हाई कोर्ट। अभी अभी क्या है कि
अभी कुछ मामला आया था, एक एक याचिका दायर की है कि स्वामी ओंकारा नंद ने, ये अक्सर आता रहता है, ये चीज हमें पीके में भी बताई थी, मूवी में दिखाई थी कि कहीं भी या तो ग्रीन कपड़ा लगा दीजिए, कहीं पे लाल कपड़ा लगा दीजिए, उसे कोई टच नहीं कर सकता, है ना। मतलब आम आदमी तो छोड़ो, सरकार भी उसको हाथ नहीं लगा सकती। तो उस हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी जगह पब्लिक प्लेस रिलीजियस पर्पज पे यूज नहीं की जा सकती है, और जो लोकल ऑफिसर्स हैं, दैट इज ऑर्डर्ड कि वो कंप्लीटली उसको रोके, उनको आदेश दिया, मतलब दिया जाता है, या वो उनके लिए बाध्यकारी है कि वो किसी तरह से ऐसी एक्टिविटी को नहीं होने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब बाउंड हो गया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब बाउंड हो गया है कि कोई भी जो पब्लिक प्लेस है उसको एज ए रिलीजियस पर्पस या एज ए वर्शिप पर्पस यूज नहीं कर सकते, वर्शिप पर्पस ये है। अब हाई कोर्ट ने ये बोल दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखो गेम क्या होता है, समझिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा गेम ये है कि जो PIL फाइल की है वो एक मंदिर के खिलाफ की है, तो PIL फाइल की है वो एक मंदिर के खिलाफ की है, लेकिन अब ये हाई कोर्ट ने बोल दिया है। तो अब जब देखो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो पूरी इंडिया के लिए होता है, पहली बात ये बात आप समझ लेना, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट बोले, चाहे मुंबई हाई कोर्ट बोले, चाहे वो कर्नाटका हाई कोर्ट बोले, कोई भी हाई कोर्ट बोलता है तो उसको फॉलो पूरी इंडिया को करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो SDM हो, चाहे वो लोकल लेखपाल ही क्यों ना हो, एक ग्रामीण टीचर ही क्यों ना हो, अगर कोई डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का आया है या कोई चेन्नई हाई मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसके यूपी में जो लेखपाल काम कर रहा है किसी गांव में, उसको भी उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि डिसीजन दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, यूपी में क्या क्या दिक्कत है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, डिसीजन किसी भी हाई कोर्ट को वो पूरे देश में अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, हाई कोर्ट क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है, एक सोर्स ऑफ लॉ है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की जो डिसीजन है वो फोर्स ऑफ लॉ होते हैं, मतलब सॉरी सोर्स ऑफ लॉ, हिंदी में कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय। तो अगर कोई डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है तो उसी बेस पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी अदर हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है उसके उस रिजल्ट के आधार पे, उस रिजल्ट के बेस पे, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो उन्होंने बोला है, तो बस सीधी सी आप समझते हैं कि अच्छा पब्लिक प्लेस क्या होता है, आप जानते हैं पब्लिक प्लेस क्या होता है, सार्वजनिक स्थान। हाँ, मतलब ये किसके अंडर में होती है, सर रेलवे स्टेशन, उद्यान, गवर्नमेंट, सर जितने भी है ना सब पब्लिक प्लेस होते हैं। ये गवर्नमेंट के अंदर में होती है, ये बात सही है, और गवर्नमेंट हमारे यहाँ चार लेवल पे काम करती है, हम लोग तीन लेवल समझते हैं। पहला तो मान लीजिए सेंटर गवर्नमेंट, सपोज कीजिए कि लैंड ऑफ JNU है ना, या लैंड ऑफ DU या लैंड ऑफ राजघाट, ये क्या है, दैट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। उसके बाद आ जाइए आप लोकल में, जैसे मान लीजिए आगरा है ना, या जयपुर है, तो वहां पर अगर कोई प्राइवेट, जैसे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है या रेलवे ट्रैक है, या रेलवे ट्रैक के पास जो लैंड है वो किसके अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। तो मतलब जो रेलवे जो पास में है स्टेट में, उसके अंडर में है।
उसके बाद एक होता है पीडब्ल्यूडी, इसका मतलब क्या होता है पीडब्ल्यूडी? लोक निर्माण, हाँ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। वर्क डिपार्टमेंट, है ना। तो जो शहरों में लैंड होता है, शहरों में वो भूमि म्यूनिसिपैलिटी की होती है, और जो गांव में लैंड होती है वो पंचायत के अंडर में होती है। तो गांव में जो जो पब्लिक प्लेस है वो पंचायत के अंडर में है, और जो डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्लेस है वो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में है, और जो स्टेट में है वो सेंट स्टेट गवर्नमेंट में है, और जो उसके बाद जो लैंड बचता है वो पूरे इंडिया में है ना। इंडिया में, इंडिया में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लैंड है जिसपे, मान लीजिए कोई ऐसी पब्लिक प्लेस है जिसपे कोयला है, कोयला निकल रहा है, कोल माइनिंग हो रहा है, या कोई गोल्ड माइन हो रहा है, या आयरन माइनिंग हो रहा है किसी तरह का, तो वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाता है ना। उसमें भी क्राइटेरिया है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो पूछेगा पब्लिक प्लेस क्या है, तो अंडर गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, तो चार लेवल पे काम करते हैं। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को एक ही बोल दिया गया है, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, दोनों को। वैसे चार स्टेप हैं इसके, तो ये है। तो सीधा सीधा पूछेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि पब्लिक सॉरी पब्लिक प्लेस एंड रिलीजियस एक्टिविटी, इस तरह से पूछ सकता है। रिलीजियस एक्टिविटी या पब्लिक प्लेस, या पब्लिक प्लेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है, या सीधे ये शॉर्ट नोट है सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद पूछ सकता है पब्लिक पब्लिक प्लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी सार्वजनिक स्थान और प्रशासन की क्या भूमिका होती है। और सी और एक और है कि पब्लिक प्लेस एंड एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इससे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है आपको कि पब्लिक प्लेस की जो लैंड है वो किस लिए यूज होती है, वो डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। तो इनपे अगर आप चाहे तो आप इस पे लिख सकते हैं 100 वर्ड, इस पर भी लिख सकते हैं 100 वर्ड, और इस पर भी लिख सकते हैं 100 वर्ड, इस तरह से। तो 100 100 वर्ड इसमें लिख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा लिखने की। जब तक चीजों को फॉर्मेट नहीं बनाओगे तब तक मुश्किल हो जाएगा, है ना। फॉर्मेट बहुत जरूरी है। लोग जब आप अधिकारी बनते हो उसके बाद, या कोई किसी भी बड़े प्लेस पे, बड़े एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो एक लेवल पे, तो आपसे कहा जाता है कि कृपया 2 शब्द कहें। तो 2 शब्द का मतलब है ये पता होना चाहिए फॉर्मेट क्या है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या डीसी है, या स्टेट में कोई भी ऑफिसर है, तो आप जाके क्या बोलोगे पब्लिक प्लेस में कि ये जो पब्लिक प्लेस है, और आप यहाँ खड़े हो और पब्लिक प्लेस ये है। जैसे अभी अभी जो पब्लिक प्लेस को आम जनता घेरे हुए है ना, किसान घेरे हुए हैं, तो इस जो ऑफिसर है इसको पब्लिक प्लेस के बारे में क्या पता होना चाहिए, पब्लिक प्लेस को लेके उसके पास कौन कौन से राइट हैं, कौन कौन सी ड्यूटी है ना। तो हो सकता है कि ये जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके भी हो सकता है। और एक चीज आपने और गौर किया होगा कि उसमें जो उन्होंने दिया है कि हिंदी में तो यही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिंदी में उन्होंने जो वर्ड यही दिया है, लोगों को धर्म स्थलों की आड़ में, ठीक है। जो पेपर में आप देख रहे हो धर्म स्थल लिखा हुआ है, तो धर्म स्थल का मतलब है वो मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है,
गौरा और गुरुद्वारा भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये अच्छे से पता है कि जो गुरुद्वारा है वो कभी ऑन रोड नहीं होता, वो वेल प्लानिंग से बनाया जाता है गुरुद्वारा। तो कहीं वो कभी आपने गुरुद्वारा मतलब बहुत खस्ता हाल में नहीं देखा होगा, मंदिर आपने टूटा देखा होगा, मस्जिद आपने देखी होगी बड़ी हुई, लेकिन गुरुद्वारा आपने कभी नहीं देखा होगा मतलब खराब हालत में। और ज्यादातर आप देखोगे जो मस्जिद हैं वो ऑन रोड होती है ज्यादातर। हो सकता है कि ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है इसी के लिए हो, है ना, उन्होंने मंदिर नहीं बोला, उन्होंने धार्मिक स्थल बोला है, रिलीजियस प्लेस, तो मस्जिद भी रिलीजियस प्लेस है। अब इसमें ये देखना है कि जो ऑन रोड मस्जिद है, बहुत सारी आप देखी होगी कि जैसे हमने तो अक्सर कई बार ये देखा है कि एक रोड यहाँ से जा रहा है और एक रोड यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से भी आ रहा है तो आगरा में है एमजी रोड पर, हाँ तो आगरा कॉलेज के पास कभी में कभी, हाँ कभी कभी मस्जिद यहाँ पर बनी होती है इस तरह पे। तो इसको क्या किया जाए, तो ये इस तरह से हो सकता है। अब क्या करेगा जो प्रशासन है वो हाईकोर्ट के ऑर्डर में प्रेशर में आ जाएगा। अब देखते हैं वो क्या करते हैं आगे, हाईकोर्ट का डिसीजन को फॉलो करते हैं या फिर चीजें ऐसी रहती है नॉर्मली। और नेक्स्ट क्या इसमें है, नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना वायरस से नए रूप में हड़कंप। एक जो नया रूप क्या आया है इसमें, क्या नाम है उसका, स्ट्रेन। खैर छोड़िए, अभी एक न्यूज और है जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि जो लीपर्ड हैं यानी जो तेंदुआ हैं उनकी संख्या बढ़ी है भारत में। उन्होंने कहा है कि जो भारत के जो हाँ प्रकाश जावड़ेकर इसके मंत्री है, बता सकते हैं, पर्यावरण मंत्री है सर, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो जो प्रकाश जावड़ेकर जी उत्तराखंड में बोला गया है ना इसका लेपर्ड का केंद्र, इसीलिए तो प्रकाश जावड़ेकर ने ये बोला है, जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ लीपर्ड यानी तेंदुओं की संख्या अब बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि जो टाइगर हैं या जो पैंथर हैं, शेर और चीता हैं, उनकी संख्या तो बढ़ी रही है। प्रकाश जावड़ेकर साहब का कहना है कि नंबर ऑफ पैंथर, नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज इन इंडिया बट आल्सो इंक्रीज लीपर्ड, जो लीपर्ड है तेंदुए हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो कभी ये आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीपर्ड इन इंडिया, सबसे ज्यादा भारत में तेंदुए किन किन राज्यों में हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो कभी ये मेंस पे लिखना पड़ सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनकी क्या स्थिति है, यानी जो जैव के हिंदी क्या बोलेंगे इसको, वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीव, हाँ जो वन्य जीव है उनकी स्थिति क्या है इंडिया में, तो उसको लेके आप गवर्नमेंट के डेटा को दे दोगे। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कह रही है कि नंबर ऑफ पैंथर, नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज इन इंडिया, है ना। तो अभी क्या हुआ है, इंक्रीज इसलिए हो गए हैं कि पहले क्या होता था, जब काउंटिंग होती थी 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काउंट नहीं किया जाता था। पहले टाइगर या जो पैंथर है उसके बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के होते थे उनको काउंट नहीं करते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 साल तक के बच्चे को काउंट करवा रहे हैं, यानी 2 साल कम कर दिया। पहले 7 साल तक करते थे, अब 5 साल कर दिया। इससे ये लोग क्या दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ एनिमल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं तेंदुआ कहाँ पर है, सबसे ज्यादा लीपर्ड कहाँ पर है, तेंदुओं की संख्या भारत में कहाँ पर है सबसे ज्यादा, बता सकते हैं। 4 राज्य के नाम पता होना चाहिए, पहला है इसमें उत्तराखंड, नहीं एमपी, वो इसनो लीपर्ड है, इसनो लीपर्ड है, तेंदुआ है ना। पहला है इसमें मध्य प्रदेश,
एमपी सबसे ज्यादा है इसमें, एमपी में जो एमपी जो संख्या है वो 3421 है, चाहे तो लिख सकते हैं 3421। उसके बाद है महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटका है, महाराष्ट्र कर्नाटका नहीं मध्य प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु, मध्य प्रदेश कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है, और तमिलनाडु, तो इस तरह से है तमिलनाडु। तो तीन स्टेट, तो हमने अभी क्या बोला कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा जो संख्या है भारत में, वो कहाँ पर है, एमपी में है, फिर कर्नाटका में है, फिर महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है ये तेंदुए, ठीक है। और भारत सरकार ने ये, मतलब भारत सरकार का पहले से ये बोलते रहे हैं कि पहली बार इनकी गणना हुई थी 2014 में हुई थी, ठीक है, पहली बार जो काउंटिंग हुई है वो 2014 में हुई थी। एक चीज मैं और बता दूं कि सबको पता ही होगा कि जो जो वाइल्ड लाइफ है ना, जो वाइल्ड लाइफ है उनका, उनकी जो डिक्रीजिंग है, उनका जो लॉस है वो किस वजह से हुआ है ना। तो वाइल्ड लाइफ की जो लॉस है भारत में, वो पहला हुआ है लॉस ऑफ हैबिटेट, है ना, जो हैबिटेट उनका लॉस हुआ है, इस वजह से उनका खतरा हुआ है। यानी जो वन्य जीव भारत में खत्म हुए हैं, उनके खत्म होने का कारण है लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी उनके आवास का विनाश, है ना। उसके बाद है हंटिंग, है ना, हंटिंग मतलब शिकार। उसके बाद है पोचिंग, है ना, पोचिंग। और हंटिंग, पोचिंग और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसी में, ठीक है सर। ब्लैक मार्केट नहीं, वो सारा पोचिंग में आ जाएगा, अर्बनाइजेशन इसमें, इसी में आ जाएगा, है ना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सारा का सारा इसी में आ जाएगा, लॉस ऑफ हैबिटेट में। जो ब्लैक मार्किंग होता है, पोचिंग, जब हम किसी एनिमल को किल करते हैं, किसी एनिमल को हम लोग मारते हैं, ठीक है, मारते हैं, ऐसे हमने किसी को गोली मार दी तो वो हो गया हंटिंग हो गया। और किसी जानवर को हम पकड़ते हैं, है ना, किसी पर्पस से, जैसे हम उसका ट्रेड करना है, या कोई बॉडी का पार्ट हमें उसका चाहिए, जैसे हाथी के दांत चाहिए, तो कुछ भी ऐसा कोई हम मेडिकली उसका यूज करते हैं तो उसको हम पोचिंग कहते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन तो पता है, अर्बनाइजेशन का मतलब यही है कि हमारा जो एरिया वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो ये एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसमें नेचुरल लैंड कवर हो रही है, ठीक है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, ये भी बन जाएगा कि लॉस ऑफ हैबिटेट जो है, आप यानी प्राकृतिक आवास का विनाश है, उसके लिए सबसे मेन कॉज कौन सा है। तो सबसे मेन कॉज है उसमें एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से सबसे ज्यादा इसका लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हैबिटेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल बोला है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिस्ट लाइब्रेरी बनेगी, ठीक है, एक सम्मिट हुआ है जापान के साथ, तो अभी कहाँ बनेगी ये पता नहीं। थाईलैंड के साथ हुआ है ना सर, इस थाईलैंड के साथ तो साथ समझौते हुए हैं, इससे पहले जापान के साथ हुआ है ना, जापान के साथ भी एक उनका सम्मिट हुआ है पहले। अब इनको लगता था कि कोरोना खत्म हो जाएगा तो जाएंगे तो बात करेंगे, तो अभी ये वर्चुअल करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इन्होंने जापान के साथ वार्तालाप में ये बोला है कि भारत में सबसे बड़ी बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, बौद्धिस्ट लाइब्रेरी बनेगी, अभी ये पता नहीं है कहाँ बनेगी, ठीक है,
तो लिख लीजिए लार्जेस्ट बौद्धिस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी होगी। और ये जहां तक है दो ही जगह बन सकती है, या तो बोधगया में बनेगी या फिर दिल्ली में बनेगी, ठीक है, या तो बोधगया में बनेगी या फिर दिल्ली में बनेगी। बोधगया रीजन, बोधगया का रीजन ये है कि वहां लोग आते हैं फॉरेनर, और दिल्ली बनने का रीजन ये है कि ये कैपिटल है और हमें यहाँ तक लोगों को लेकर आना है ना, लोगों को लेकर आना कि चलो भाई कोई भी आएगा देखने के लिए फॉरेनर, अगर अगर वो आता है दिल्ली, अगर वो आता है बोधगया, ठीक है, अगर वो बोधगया जाता है तो बोधगया जाने के बाद फिर वो दिल्ली में तो आएगा ही, है ना। तो ये चीज है। तो नेक्स्ट क्या इसमें है, तो ये तो था बौद्धिस्ट लाइब्रेरी। और भारत ने, भारत के जो समझौते वियतनाम के साथ हुए वो सात हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये बनेगा, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड वियतनाम रिलेशन, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड वियतनाम रिलेशन। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी लुकिस्ट पॉलिसी क्या है पता है किसी को, किसने शुरू की थी बता सकते हैं? लुकिस्ट पॉलिसी शुरू की थी इंद्र कुमार गुजराल ने, इंद्र कुमार गुजराल, उनका भी रेस्पेक्ट कुछ ऐसा ही था जैसा मनमोहन सिंह का है, ठीक है। मनमोहन सिंह जितना तो नहीं था लेकिन बाकी नेताओं से ज्यादा था, ठीक है। तो इंद्र कुमार गुजराल जो हैं कांग्रेस से थे, और कांग्रेस के लीडर तो नहीं थे लेकिन वो यूपीए के थे, तो यूपीए किसी घटक के दल के थे। इंद्र कुमार गुजराल ने ही शुरू की थी। तो लुकिस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर, पूर्व की ओर देखो नीति, और देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लुक ईस्ट पॉलिसी। सर इसका तो नरसिम्हा राव का भी आता है ना कि इन्होंने शुरू किया था, लेकिन एक काम सबसे ज्यादा किया था इसमें, स्टार्टिंग उन्होंने की थी, फिर इसको इंद्र कुमार गुजराल ने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर बीजेपी ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोल दिया। अभी इसका जो नया वर्जन है कह सकते हैं वह एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और उसके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद भी एक नया वर्जन दे दिया गवर्नमेंट ने, है ना, नेवरहुड फर्स्ट। अभी सुना होगा आप लोगों ने, एक लगभग एक दो महीने से न्यूज में आ रहा है नेवरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। तो ये है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में ये जान लेना है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना कि ये क्या है और ये कब शुरू हुई है, है ना, और इसका उसका इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। और नहीं तो हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये इसके मेन क्या है, कि अभी सभी सही से समझना पड़ेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वैसे तो सिंपली आप सब जानते हैं लुकिस्ट पॉलिसी का मतलब है कि एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद ईस्ट एशियन कंट्री, यानी जो भारत से पूर्व में देश है, म्यांमार है, वियतनाम है, चाइना है, हांगकांग है, इंडोनेशिया है, ठीक है, थाईलैंड है, इन सभी के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, है ना, उसी को हम बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। और लुक ईस्ट पॉलिसी का जो पर्पज है वो यही है कि ईस्ट एशिया के जो नेशन है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना। और देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी की जरूरत हमें क्यों पड़ी उसका समझना है। लुक ईस्ट पॉलिसी की जरूरत हमें, कई सारे रीजन है। पहला रीजन सुन लीजिए, बहुत बड़ा एक एरिया है म्यांमार में, थाईलैंड में, वियतनाम में, ऑयल रिजर्व का,
यानी जो पेट्रोलियम है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड में रिजर्व है। तो अगर हम इन देशों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमारा जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट कंट्री पर, है ना, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक पे जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। पहला रीजन था, मतलब इकोनॉमिकली फैक्ट है ये कि फॉर द पेट्रोलियम एक्सेस, यानी तेल की प्राप्ति के लिए, पहला रीजन। दूसरा है कि पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन ये है कि वेस्ट में हमारे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें जितने पड़ोसी मिल सकते हैं उतने हम पड़ोसियों को अपना लें, दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन ये है कि कभी मनमोहन सिंह ने, सॉरी मोदी जी ने कल ही बोला है वहां के पीएम से, खुल के बोल दिया है, एकदम ओपनली बोला है कि आप हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करेंगे और हम आपको करेंगे। कल सीधे सीधे आप उनका लेक्चर सुनना, डीडी न्यूज में पड़ा हुआ है, डीडी न्यूज का शायद अभी अभी नहीं, कल आ रहा था, तो डीडी न्यूज में मिल जाएगा, आरएसट में मिल जाएगा। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सपोर्ट करेंगे, आप हमें करेंगे। तो ये हो गया पॉलिटिकल रीजन। और उसके बाद है कि अगर हमें सच बताएं, एक चाहे पड़ोसी देश हो चाहे हमारा पड़ोसी हो, अगर हमें अपनी चीजों को मजबूत रखना है, एक बात ध्यान समझना है, ठीक है, अगर हमें अपनी चीजों को बहुत मजबूत रखना है तो पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत 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 जरूरी होता है, चाहे कोई फैमिली हो या कोई कंट्री हो। अगर मान लीजिए हमारे संबंध म्यांमार से बहुत अच्छे होंगे, हमारे संबंध श्रीलंका से बहुत अच्छे होंगे, हमारे संबंध वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया से अच्छे होंगे, तो हिम्मत नहीं होगी चाइना की वहां पे बैठ जाए, हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान की वहां से एंट्री कर जाए, हिम्मत नहीं होगी यूएसए की वहां से कुछ एक्टिविटी शुरू कर पाए। अगर हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हैं तो एक तरह से सिक्योरिटी होती है, एक तरह से सामरिक दृष्टि से अच्छा होता है। जब हमारे अभी कुछ दिन पहले यही तो हुआ था कि म्यांमार को खरीद के, मतलब म्यांमार के यहाँ हमारे भारत की कंपनियों ने ऑयल देखा, तलाश किया, भाई आपका ऑयल यहाँ है, तो ये बता दिया। तो हमें ये भरोसा था कि म्यांमार हमें देगा आगे एक्सप्लोर करने के लिए, उसने क्या किया, वो पूरा का पूरा दे दिया चाइना को, मतलब खोज के सर्च करके हमने दिया, भारत ने दिया कि तो आपका ऑयल यहाँ पर है, और लेकिन ऑयल निकालने का ठेका उन्होंने दे दिया चाइना को, ठीक। तो ये चीजें अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप होते तो चाइना की तरफ वो चीजें नहीं जाती, चाइना की तरफ वो चीजें नहीं जाती। और म्यांमार के साथ हमारे खराब रिलेशन नहीं है, बात ध्यान समझिएगा, मैं इस क्यों फोर्स कर रहा हूं कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जितना लालच उन्हें चाइना दे देता है, जितना लालच बांग्लादेश को चाइना दे देता है, जितना लालच म्यांमार को चाइना देता है, उतना हम नहीं दे पाते, ठीक है। कभी आपको लिखना पड़े इंटरनेशनल पॉलिसी में कि क्या हमने श्रीलंका का ले लिया, है ना, सीता चोरी करके वही ले गए थे, हमारी पुरानी बात करें तो, नया नहीं है कुछ तो, ठीक है। एलटीटी की बात करें, भाई तुमने एलटीटी को मार दिया, राजीव गांधी हमारे खत्म हो गए, क्या हमने ले लिया श्रीलंका का, छोटा सा देश है, जब चाहे तब खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके वजूद को हमने बनाए रखा, लेकिन फिर भी चाइना का सपोर्ट करता है ना, वही बात है ना। हमारे यहाँ एक चीज है ना कि हमारे यहाँ आता है तो हम खाली दाल चावल खिलाते हैं, ठीक है, चाइना के पास जाता है तो हर, है ना, पनीर, सब्जी, मटन, चिकन, जो भी दारू, सब खाता पीता है, तो जहाँ अच्छा खाने को मिलता है उनका सपोर्ट करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पड़ोसियों का रिलेशनशिप खुद के साथ इस्टेब्लिश करने हैं, बताने हैं हम कहाँ गलत है और वो कहाँ गलत है। ना हमने नेपाल का कुछ ले लिया, ना हमने बांग्लादेश का कुछ ले लिया, बांग्लादेश का लेना ही होता
तो 1971 में है ना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका नहीं होती, दिल्ली होती, मिसेस गांधी चाहती तो, लेकिन नहीं चाहा कि हमारे पॉलिसी में ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझना है। अब लिख लेंगे, बांग्लादेश से, म्यांमार से, वियतनाम से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से हमारे संबंध खराब हैं, या जो लोग आंख दिखाते हैं, जो लोग हमें धोखा देते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है ना, आपने देखा होगा तो गांव में इलेक्शन होता है ना, तो गांव में दारू पिलाते हैं लोग, जो दारू पिलाता है उसके लोग चले जाते हैं शाम को, नहीं पिलाता उसके नहीं आते हैं, तो वही रीजन है। तो चाइना क्या है, बहुत बड़ा दारूबाज है, मतलब हर चीज देता है कंट्री को, ये चीजें हैं। ठीक है, तो अब तक समझ गए होंगे लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में लिखना है, ये क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद वियतनाम से क्या क्या समझौते हुए हैं वो भी हम आपको बता देंगे कल ही, इसमें क्या क्या समझौते हुए हैं। वैसे सब जग जाहिर है कि क्या क्या हो सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से विज्ञान के यानी विज्ञान को बढ़ावा देना है, और व्यापार की दृष्टि से साम और राजनीतिक दृष्टि से, यही सारे हैं। मैंने ये चीज आपको कल भी बोली थी कि इंडिया में इंडिया और वर्ल्ड में जब भी आपको रिलेशनशिप देखना है तो चाइना को देखिए, यूएसए को देखिए, सब बातें समझ में आ जाएंगी, दूसरा किसी को नहीं देखना है। नेक्स्ट है इसमें, और चलिए और तो कुछ है नहीं। भारत में, भारत एक उइगर चलिए कल इसको देख लेते हैं, एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आज देखो जो चीजें थी, जो मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक करवाया था वो, उसको भी आप लोग लिखने की कोशिश करना, कहीं नोट करना, और जितने भी टॉपिक ज्यादा हुए नहीं लेकिन जो भी टॉपिक हुए उनको लिखने की कोशिश करना। और अब आप जो हमने बताया इंटरनेशनल पॉलिसी को लेकर, जो आपके पेपर सेकंड का पार्ट है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, बहुत सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। म्यांमार को लेके ज्यादा ही सोचना है क्योंकि म्यांमार में बौद्धिस्ट कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है, और हम बौद्धिस्ट कम्युनिटी हमारे यहाँ है जरूर, लेकिन हम उतना सपोर्ट नहीं करते जितना चाइना कर सकता है। और म्यांमार को ये लगता है कि जो रोहिंग्या हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, तो इससे भी हमारे रिलेशन खराब हुए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो बाकी हम लोग कल बात करेंगे। और कुछ बताएं, कोई डाउट हो तो। 7-2-6 चलिए ठीक है, फिर यहीं पर रोकते हैं क्लास को।